2024 का लोकसभा चुनाव में यूपी ने बाजी मार लिया, यानी कि बीजेपी को पछाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा। दो लड़के की जोड़ी राहुल और अखिलेश ने मिलकर के अयोध्या में भी श्री राम मंदिर बनने के बावजूद भी भाजपा को समर्थन नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी ने धनबाद जिला में एक प्रेस वार्ता किया, जिसमें उन्होंने दो लड़की की जोड़ी का एक संदेश दिया जनता जनार्दन को और बताया कि समाजवादी पार्टी यूपी से गायब नहीं हुआ था, वो कुछ पल के लिए ठहर गया था। जहां पे अयोध्या में राम मंदिर बना है, वहां पे आज वही राम के भक्त अखिलेश भैया को समर्थन दिए। ये इस बात का गवाह है कि 37 सीट ला करके हम यूपी के सबसे प्रसिद्ध मुख्यमंत्री को हराने में, पछाड़ने में कामयाब हो गए। और साथ में मुमताज अली, प्रदेश प्रमुख महासचिव को माला पहना करके उनका भव्य स्वागत किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी इस बात को मांगती है कि ईमानदारी से गठबंधन का समझौता का पालन करना चाहिए। आदरणीय नेता श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी है, लोहिया की पार्टी है, हम समझौता करते हैं तो ईमानदारी वफादारी से निभाते हैं। अभी तक हमारा समाजवादी पार्टी का यही ख्याल है कि हम गठबंधन से लोकसभा लड़े हैं। निश्चित रूप से मेरी कोशिश होगी कि वेरी फुल ट्राई टू दिस कि स्टैंड करें हम इसी को और इसी को कंटिन्यू करें कि समझौता से हम लड़े। लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई दिशा निर्देश ऐसा नहीं मिला है कि लोकसभा के बाद हम विधानसभा भी समझौता के तहत लड़ेंगे। बहुत जगह है जहाँ महाराष्ट्र में भी शिवसेना हमारे साथ दो गुट लेकिन अकेले लड़ गए। ममता बनर्जी भी, ममता दीदी भी कलकत्ता में बहुत जगह कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट करके हरा भी दिए उनके नेता अधीर रंजन चौधरी साहब को। मे बी राजनीति में कुछ भी हो सकता है, संभव है असंभव है, लेकिन मेरा ख्याल है मेरी पार्टी का स्टैंड है, क्योंकि क्लियर स्टैंड ऑफ द समाजवादी पार्टी कि वी आर केयरफुली एंड टेकिंग टू क्लियरली कि हम जो कंप्रोमाइज अलायंस है हमारा उसके साथ स्टैंडिंग लड़ाई लड़े और हम अलायंस में लड़े। लेकिन अगर लड़े तो 10 सीट पर समाजवादी पार्टी झारखंड में 2024 को होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, जिसमें धनबाद हम कोशिश करेंगे। धनबाद जरिया चुके हम पहले लड़ चुके हैं, स्थिति ठीक नहीं थी लेकिन आज हम स्थिति अच्छी बनाए हैं। तो 10 सीट पर हम लोगों ने कहा कि समझौता अगर होगा तो 10 सीट हम लेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से वार्ता हुई है। और अगर नहीं समझौता होता है विधानसभा में जैसी संभावनाएं कम है, समझौता होना तय है लेकिन संभावनाओं का खेल होता है, आप लोग सब जानते हैं, यू आर वेरी वेल नोन। तो अगर नहीं हुई तो 10 सीट पर हम निश्चित करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, अच्छा प्रदर्शन देंगे। चूँकि पिछले 10 वर्षों में समाजवादी पार्टी समाज के दबे कुचले वंचितों की, दलितों की, अकलियतों की, पिछड़ों की और अग्नि जातियों में भी जो कमजोर हैं उनकी लड़ाई हमारे लोग लड़े हैं। उज्जवल वर्मा जी लड़े हैं, पंडित अवधेश तिवारी लड़े हैं, रविंद्र प्रसाद जी लड़े हैं, शारदा जी लड़े हैं और भी हमारे अन्य साथी जो थे दल में वो सब भी लड़े हैं ईमानदारी से। इस बिना पर मैं कह सकता हूँ कि झारखंड के पलामू से लेकर गोड्डा तक और गिरिडीह से लेकर चाईबासा तक चारों कॉर्नर से हम कहीं कहीं मजबूत हैं, इसलिए हम लड़े। सीट तय अभी नहीं बता सकते चूँकि हम ही सीओर नहीं हैं, तो आपको हम सीओर क्यों कर दें। हम 10 सीट मांगे हैं, 10 सीट पर लड़ेंगे ये सीओर है, पर कौन से सीट लड़ेंगे ये सीओर नहीं है, ये सीओर हम नहीं है कि कौन सीट लड़ेंगे। भी लड़े थे। तो पहली बार जो लड़े थे, इससे पहले जो लड़ते थे हम अपनी उपस्थिति, देखिए मैं समाजवादी का बेटा हूँ, मेरे दादा पार्लियामेंटरी 1952-1957, माय ग्रेट फादर वाज अ पार्लियामेंटरियन, मैं उसका पोता हूँ, फादर वाज अ मिनिस्टर। हम लोग उस परिवार के हैं कि प्रेस के सामने या किसी के सामने उतना ही कहते हैं जितना वो पचा पाए। हम लोग के संस्कार में लहू में झूठ बोलने का नहीं है। हम पहले लड़े थे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, समझ रहे ना। समाजवादी पार्टी पहले जो लड़ी, चाहे जितने 37 सीट पर भी लड़े झारखंड में, तो हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लड़े। इस बार हम लड़ेंगे लड़ने के लिए लड़ेंगे, जीत और हार की समीक्षा नहीं करेंगे लेकिन लड़ने के लड़ेंगे। ऐसा लड़ेंगे कि आप भी समझे कि लड़ा है, हार भी होगी तो लड़ के होगी लेकिन हम जीतने के लिए लड़ेंगे। पंडित एक ही बताइए,
कि समाजवादी पार्टी का झारखंड में उत्थान किस ढंग से आप करने जा रहे हैं 2024 का विधानसभा में? ऐसा है कि माननीय अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग समाजवादी पार्टी को झारखंड में चुनाव के दौरान मेहनत करना है और पार्टी को आगे बढ़ाना है। मेहनत आप किस ढंग से करते हैं सर, सिर्फ विधानसभा चुनाव तक ही है उसके बारे में? ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में कभी हम लोगों की पार्टी नहीं बन सकती है झारखंड में, इसलिए विधानसभा चुनाव में हम लोग सक्रिय रहना चाहते हैं। जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म होते आपकी पार्टी के एक भी व्यक्ति, एक भी सदस्य दिखाई नहीं देते, इसका क्या कारण? ऐसा है कि झारखंड में हम लोगों का संगठन कमजोर हो चुका है, कुछ लोग जो हैं इधर उधर चले जाते हैं। अब हम लोग निर्णय किए हैं कि पार्टी का संगठन को मजबूत करने के लिए और देखा गया कि आपकी पार्टी से जो आपके जिला अध्यक्ष होते हैं वो सिर्फ चुनाव तक मतलब रखते हैं, जैसे चुनाव खत्म तो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो क्या लगता है वो अपना सिर्फ नाम बनाने के लिए? ऐसा है कि अभी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष उज्ज्वल जी अभी जिला अध्यक्ष हैं और हम लोग उनसे आशा यही करेंगे कि जिला अध्यक्ष बने रहें, पार्टी छोड़ के ना जाएं। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे धनबाद वासी को? धनबाद वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाला समय हम लोग समाजवादी पार्टी को पूरे झारखंड में मजबूती के साथ में हम लोग आएंगे। इंडिपेंडेंट अकेले आएंगे या फिर गठबंधन सरकार? गठबंधन सरकार से अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा, अगर वैसा हो गया तो गठबंधन चलेंगे, नहीं तो फिर ऐसे भी इंडिपेंडेंट तैयार। धन्यवाद। रविंदर प्रसाद सर, आप अपना परिचय दीजिए। दीपक कुमार चौरसिया, समाजवादी पार्टी प्रदेश संगठन सचिव। मैडम आप अपना परिचय दीजिए। शारदा सिंह, महिला मैं भी लगन के साथ सब काम करना चाहूँगी, समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। राम मंदिर बनने के बावजूद भी भाजपा को समर्थन नहीं मिल पाया, इसके पीछे क्या कारण है? क्या राम जी सपोर्ट नहीं दी, या जनता ने सपोर्ट नहीं दिया, या अखिलेश जी कोई जादू का छड़ी घुमाया, क्या कारण है जानते हैं जरा इनसे और उसके बाद फिर सारी बात का व्याख्या करें। तो सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए कि ये जादू जो है कैसे चला? ऐसा है, आपका प्रश्न पूरे विश्व के पैमाने वाला ये प्रश्न है। मेरा परिचय है कि मैं मुमताज अली, समाजवादी पार्टी का प्रदेश के प्रमुख महासचिव हूँ और नेशनल स्टार कैंपेनर समाजवादी पार्टी। यह जादू नहीं था, हकीकत है। जादू बीजेपी 10 सालों तक दिखाया और जादू के झमेले में ताली बजवाया लोगों से, जादूगरों की तरह संदेश दिया कि हमें जो चाहिए आपने 10 वर्षों तक नहीं दिया, झूठ फरेब बेईमानी और धोखेबाजी में आपने की है, इसलिए आपको भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं सेबरी का जूठा बैर खा के संसार को जातिवाद मिटा देने का, जातिवाद न करने का संदेश दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र थे, जब वो वन को जाते हैं 14 वर्ष तक वन में जाते हैं, जंगलों में उन्होंने घास को मखमल बनाया, जंगलों को बिस्तर बनाया, आसमान को छत बनाया, नदी के जल को अमृत बनाया, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। भगवान श्री कृष्ण ने, माधव मुरली मनोहर ने, वह कर्मों के बल पे दुर्योधन का मेवा त्यागा, विदुर का साग रोटी खाया, सत्य के साथ खड़ा रहा, तो वह कर्मयोगी श्री कृष्ण कहलाए। राष्ट्रपिता महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी बैरिस्टर रहते हैं, 1915 में आते हैं बैरिस्टरी करने ऑक्सफोर्ड से पढ़ के लंदन से, और बैरिस्टरी करने डरबन में आते हैं, साउथ अफ्रीका के डरबन के हाईकोर्ट में। आज वो आते हैं सूट बूट पहन के, जब देश की हालात देखते हैं कि अंग्रेजों के हाथों मेरी माँ के आँचल गुलाम है, तो उतारते हैं सूट बूट पहन फेंक देते हैं नदी में और घुटना भर का धोती पहन के इस मुल्क को आज़ाद कराते हैं, तो वह कहलाते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इसलिए इन्हें वही संदेश दिखाया गया है और जनता ने वही संदेश दिया है। अयोध्या आ रहे, इलाहाबाद अयोध्या आ रहे जहाँ राम जन्म लिए,
भगवान राम जहाँ लंका विजय के बाद नहाने गए थे त्रिवेणी, वहाँ हार गए। रामेश्वर जहाँ राम पूजा कर रहे थे, स्थान बना के, वहाँ हार गए। चित्रकूट जहाँ राम को सार रामचरित मानस लिखा गया, गोस्वामी जी ने लिखा, राम वहाँ शिक्षा ग्रहण किए मुनि वशिष्ठ के साथ, वह सीट हार गए। एक सवाल है, ये अच्छी बात है कि हार गए, ये बहुत अच्छी बात है। सवाल ये है कि ये दो लड़कों की जोड़ी ने एक शायद जुमला स्टार्ट किया था, खटाखट खटाखट खटाखट, और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ शायद लाइन लगा था खटाखट 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 उस 8,500 रुपये पाने के लिए, इसका क्या मामला है? इसका मामला ये था कि जब मैं आपने आप अधूरे बातों को दोनों नौजवानों के, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी की बातों को आप कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने पूरी बात आप नहीं रख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी तो खटाखट होगा, खटाखट 8,000 8,500 चला जाएगा और 1,00,000 रुपया सालाना चला जाएगा, मेरी सरकार बनेगी तब। लेकिन यही सवाल उनसे भी पूछना चाहिए आपको कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुझे याद है आदरणीय मोदी जी ने आरा के सभा में कहा था कितना दे दूँ, 50,00,000 करोड़ दूँ, 60,00,000 करोड़ दूँ, 80,00,000 करोड़ दूँ, जाओ 1,25,000 करोड़ मैं बिहार को दिया, 25 पैसा नहीं आज तक मिला। उनसे भी सवाल कर लिया कीजिए, कभी राज सिन्हा जी से, कभी नया हमारा छोटा भाई नया सांसद बनाया ढुल्लू, कभी उससे भी सवाल कर लिए कि इसका जवाब दे दो। बिल्कुल बिल्कुल एकदम जरूर करेंगे। तो अब आपका अगला झारखंड के लिए क्या है एजेंडा? झारखंड के लिए मेरा वही एजेंडा है जो एजेंडा हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में रखी है। पूरे देश में हमारा एक ही एजेंडा है, समाजवाद का मतलब, समतावाद का मतलब, समाज में हर लोगों को बराबरी का दर्जा हो और हर पेट को रोटी मिले, हर हाथ को काम मिले और भेदभाव मिटे, समता मूलक समाज बने, यही हमारा आज भी झारखंड में भी यही स्टैंड है। अगली चुनाव में इसी आधार पर इसी नारों के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। अभी आपने कहा हाथ, हर हाथ को काम मिले, तो क्या दोबारा क्या साथ में जा रहे हैं हाथ के साथ भी जाएंगे और तीर के साथ भी जाएंगे और त्रिशूल के साथ भी जाएंगे, शिवसेना का त्रिशूल के साथ भी जाएंगे। हम पूरी तरह गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन के साथ रहेंगे। राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खों का काम है। अब जाते जाते एक संदेश झारखंड वासी को दीजिए, क्या देना चाहिए? झारखंड के लोगों, यह जन जंगल जमीन की लड़ाई है, या नागपुर वाले छोटा नागपुर को खरीदने नहीं इसे बर्बाद करने आए, अडानी अंबानी से सतर्क रहना, झूठ फरे मकारी से बच कर रहना और अपनी जन जंगल जमीन और अपनी बहू और बेटियों की इज्जत और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ते रहना। तो आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का एकदम क्लियर स्टेटमेंट है, और जब उनका हौसला बुलंद हुआ 37 यानी कि लोकसभा में 37 सीट ले आए, अब जो है विधानसभा में गठबंधन की सरकार साथ में रहेंगे, अब आगे का एजेंडा क्लियरिफाई होगा जब ये लोग लड़ना शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं सब पर नज़र, धन्यवाद।